करे थे? हाँ सर, लास्ट गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ था। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ था, ठीक है। और कौन से सेल ऑर्गेनेल बाकी है सर? सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड पेरिऑक्सीसोम्स बाकी है। अच्छा, इतने सारे बाकी हैं अभी, ठीक है, चलो। हाँ, लास्ट टाइम कुछ कुछ बताया था, क्वेश्चंस में पूछ रहा हूँ, बताएंगे। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या था? डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स व्हाट, और कौन से सेल ऑर्गेनल का काम था डिटॉक्सिफिकेशन करना? सर सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें सर पॉइजंस और ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और खास करके कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर और एसीआर? स्मूथ सर, एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, हां, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ओके। गोल्गी बॉडी इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल ऑर्गेनल्स लाइक वैक्यूल, यू कैन से लाइसोसोम, यू कैन से, है ना? सो ठीक है, तो बता ही चुका था। हाँ, एक और चीज आप लोगों ने पूछा था, बायोसिंथेसिस, ओके, बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, व्हाट डज इट मीन, बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन? सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फॉर्म्स सर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो सर उसी से एक पार्ट जो डिटैच होकर, किसी भी सेल का सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है तो वहां से टूटकर चला जाता है। यस सर, ठीक है। और नहीं, और भी कुछ बताया था इसमें, ये भी एक पार्ट है, ये इसका एविडेंसेस बहुत सारे जगहों पे नहीं है, तो अवॉइड करेंगे इस चीज को, अवॉइड करेंगे, दूसरा पार्ट को ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरा पार्ट भी बताया था इसमें हम, दूसरा पार्ट भी बताए थे इसमें। हेलो, दूसरा पार्ट भी बताए थे इसके अंदर, याद आ रहा है? गिव राइज टू गोल्गी बॉडी, यस सर, ठीक है। हाँ, क्या याद आ रहा है? सेल प्लेट फॉर्मेशन वगैरह डिस्कस करें, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का डेफिनेशन बताया था, ये वाला डेफिनेशन लिखेंगे आपको, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? ये डिटैचमेंट वाला तो है, ये है डिटैचमेंट करके नया सेल ऑर्गेनल बना लेगा, ठीक है, और रिपेयर में भी मदद करता है, क्या बोलेंगे, रिपेयर, ठीक है, रिपेयर में मदद कर रहा है, तो इसको आप लोग फोकस करेंगे, ठीक ना? ये एक्सेप्टेबल है, बहुत जगह पे ये एक्सेप्ट करा गया है ना, इसको फॉलो करेंगे। सो आज क्या स्टार्ट करें सर? सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम। सेंट्रोसोम करें? यस सर, ओके, सेंट्रोसोम कोशिश करते हैं आज खत्म करने के लिए चैप्टर, देन वी विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सेंट्रोसोम, वेयर इट इज प्रेजेंट, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट सर एनिमल सेल। ओके, इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, प्रेजेंट नियर व्हाट, प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ठीक ना? फॉर एग्जाम्पल ये है सेल, सेल हैज अ न्यूक्लियस, इनसे हम न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C4 साइटोप्लाज्म, ओके। न्यूक्लियस के बाहर देखोगे आप, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, दो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक ना? इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे ये, ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे, है ना? इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग? स्पिंडल फाइबर। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कहेंगे इस स्ट्रक्चर को, सेंट्रोसोम कहेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज
सेंट्रोसोम. ओके, सेंट्रोसोम के अंदर ही हमें लकड़ी की तरह कुछ स्ट्रक्चर बनाए, पैरेलल लाइंस बना रखे हैं. सेंट्रियोल्स. हाँ, दिस पैरेलल लाइंस आर एक्चुअली सेंट्रियोल्स, है ना. ये पैरेलल लाइंस होते हैं सेंट्रियोल्स. ठीक है, सेंट्रियोल्स बने हुए रहते हैं आपके प्रोटीन से, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स रहते हैं, अल्फा बीटा रहता है, ठीक ना. इसका स्ट्रक्चर यदि आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज सेंट्रियोल, है ना, इसका क्रॉस सेक्शन कट करोगे आप, सो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 9 इस तरीके से रिंग बने हुए हैं. दिखाते हैं हम डायग्राम आपको, एक्चुअल डायग्राम दिखा रहे हैं, आपके पास भी अवेलेबल होगा किताब में, हम जो किताब दे रखे होंगे पीडीएफ फॉर्मेट मिल रखा है ना, उसमें होगा. एनसीईआरटी में नहीं है ये, ट्रांसवर्स सेक्शन. ये देखिए आप लोग के लिए ये वाला, ये देख पा रहे हो स्ट्रक्चर. ये देख, ठीक है, इट इज 90 डिग्री टू ईच अदर. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कट करोगे आप तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे, 9 रिंग और 9 डॉट्स की तरह दिखेंगे पेरिफेरल एरिया पे, है ना. फर्दर ये इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं 3, ठीक, फर्दर 3 ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर रहते हैं. खैर वो आप लोगों को पढ़ना है हायर क्लासेस में, उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, है ना. इसमें आप देखेंगे इसका अरेंजमेंट जो है पेरिफेरल एरिया पे, पेरिफेरल एरिया पे 9 इस तरीके से स्ट्रक्चर है और बीच में कुछ भी नहीं है. इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट. दिस इज 9+0 अरेंजमेंट. 9 पेरिफेरल प्रोटीन स्ट्रक्चर है और बीच के अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है इस तरीके से, है ना. एक होता है 9+2 अरेंजमेंट. 9+2 अरेंजमेंट आपको मिलेगा फ्लैजिला में, ठीक ना, FLAGELA. फ्लैजिला और सीलिया के अंदर, स्पर्म सेल के सेल के अंदर भी 9+2 और 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है. 9+2 और 0 में डिफरेंस यही होता है कि ये आप सेंटर की तरफ देखेंगे, ठीक ना, सेंटर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे एक गोल सा प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है. 9+2 के केस में ये इस तरीके से रहेगा, बाहर की ओर 9 पेरिफेरल प्रोटीन्स आपको दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और अंदर की तरफ भी 2 इस तरीके से रहते हैं, ठीक ना. इसको हम लोग कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट इन फ्लैजिला. सो आते हैं यहाँ पे सेंट्रोसोम, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सेंट्रोसोम में. सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स. सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है. टू सेंट्रियोल्स आर देयर विच आर एट परपेंडिकुलर टू इच अदर, या बोल सकते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू इच अदर. टू सेंट्रियोल्स फंक्शन क्या होगा जी, आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड एनिमल सेल, है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. इट एक्ट एज एमटीओसी सेंट्रियोल. आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रोसोम, नॉट सेंट्रियोल. सेंट्रोसोम एक्ट एज एमटीओसी,
ठीक है, MTOC, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूबुल TUBULE ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करेंगे माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स. माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है जहां से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं. एमटीओसी एक प्लेटफॉर्म है या फिर एक बॉडी है ना, जहां से स्पिंडल फाइबर का पॉलीमराइजेशन होगा, फॉर्मेशन होता है, समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग दिस स्ट्रक्चर इज एमटीओसी, दिस स्ट्रक्चर इज एमटीओसी, दिस स्ट्रक्चर इज एमटीओसी, है ना. तो होना क्या है, यहां से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना है, यहां से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, है ना. सो रोल ऑफ एंड एमटीओसी, एमटीओसी का फंक्शन क्या होगा, एमटीओसी इज द एरिया फ्रॉम वेयर स्पिंडल फाइबर originates. And what is the role of spindle fiber? Spindle fiber का role क्या होगा? Sir, initiate cell division. बोल सकते हैं chromosomes को अपने तरफ खींचने में मदद करता है, ठीक ना, during cell division. Spindle fiber binds with chromosome and helps in cell division and helps in karyokinesis. Karyokinesis matlab during cell division. Karyo matlab nucleus, kinesis matlab division hona, theek na. Karyokinesis matlab nucleus ka division hona, nucleus ka division mein madad karta hai during cell division. Okay, so aap log ke liye kya important ho jayega yahan pe, karyokinesis binds with chromosome, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान. अभी आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि प्लांट सेल के अंदर तो ये प्रेजेंट नहीं रहता, तो प्लांट सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा. नहीं हो रहा है तो गड़बड़ बात है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर भी तो सेल डिवीजन होता है ना. इन केस ऑफ plant cell MTOC is acted by some protein structure. Microtubule organizing complex is acted by some protein complex. और ये protein complex किस तरीके का है अभी तक हमको नहीं पता है, ठीक है, जानने की कोशिश भी नहीं करे हैं और आपको पढ़ना भी नहीं है ना. सो ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, होता है ना. लेकिन वहां पे कोई प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, वहां पे आपका ये एब्सेंट है, सेंट्रोसोम एब्सेंट है, ओके, सेंट्रोसोम वहां पे एब्सेंट है, सेंट्रियोल एब्सेंट है वहां पे. हाँ, इन केस ऑफ प्लांट सेल, एक सेल डिवीजन टाइप इज नोन एज, इसका सेल डिवीजन को हम लोग कहते हैं एनास्ट्रल टाइप ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन टाइप इज कॉल्ड एनास्ट्रल, an astral cell division. ठीक है, astral animal को कहेंगे, plant में कहते हैं an astral. ये फिर से ओलंपियाड point of view से important है, NTC point of view से important. पूछता है astral और an astral division किस में होता है. So
तो एन एस्ट्रल होना है प्लांट में, एस्ट्रल होना है एनिमल्स में, लाइक दैट. ओके ठीक है, और कुछ जानना है इसमें? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इस सेंट्रोल्स का भी डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन के दौरान इसका भी डिवीजन होता है. तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो सब लिखना, चलिए इसको हम खत्म करते हैं यहीं पे. अगला सेल ऑर्गेनल बोलेंगे सर, वैक्यूल्स. वैक्यूल्स ठीक ना, वैक्यूल्स मेम्ब्रेनस है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ठीक ना. इट इज नोन एज स्टोनोप्लास्ट इन केस ऑफ व्हाट, प्लांट सेल्स. स्टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है. ओके, इट इज नोन एज स्टोनोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट. व्हाट इज द नंबर ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल्स? वन. Number of vacuole in plant cell is very few, one or two, with large in size, large in shape. ठीक ना, number of vacuole in plant is one or two, but in large shape or size. है ना, लार्ज शेप का होता है. प्लांट के केस में ऑलमोस्ट 90% एरिया कवर किया हुआ रहता है वैक्यूल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है. अबाउट 90% ऑफ द सेल एरिया, वॉल्यूम बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं, इज कवर्ड बाय वैक्यूल. ठीक है, वैक्यूल के अंदर क्या रहता है? सेल्स सर, वाटर एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस वाटर और शुगर. क्या बोल रहे हो यार, सुनो. हाँ फिर से बोलो. शुगर रहता है, वाटर रहता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंजाइम्स, ये सब प्रेजेंट है. एमिनो एसिड बोल सकते हो, एमिनो एसिड है ना. चलिए ये प्लांट का केस हो गया. इन एनिमल्स ठीक है, स्टोरेज का काम करता है, मॉलिक्यूल्स स्टोर रहते हैं इसके अंदर. ओके, इन एनिमल्स नंबर ऑफ वैक्यूल्स आर मोर, बहुत ज्यादा होते हैं, बट स्मॉल इन नंबर, बट इन स्मॉल शेप और साइज, बट इन स्मॉल साइज, छोटे होते हैं, न्यूमरस होते हैं, ज्यादा होते हैं. ठीक है, वैक्यूल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वाटर, ज्यादातर इसमें पानी रहेगा. ठीक ना, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स स्टोरेज का तरह भी काम करता है. ठीक ना, एंड इन टाइम्स ऑल्सो, है ना. सी, गैस वैक्यूल एंड दिस प्लांट वैक्यूल इज डिफरेंट. ठीक है, कहीं पे सुने होंगे आप लोग गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल्स एंड प्लांट वैक्यूल, दे आर डिफरेंट. ठीक है, गैस वैक्यूल और प्लांट वैक्यूल दोनों डिफरेंट है. ठीक ना, गैस वैक्यूल इसका जो मेम्ब्रेन होगा दैट इज नॉन लिपिड, एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेनस है ना, बोल सकते हैं. इट इज मेड अप ऑफ, इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ, और इट्स मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ. ये डिफरेंस है गैस वैक्यूल के केस में और प्लांट वैक्यूल के केस में. इट्स मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ
प्रोटीन प्रोटीन से बना रहता है, वाइल प्लांट वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होगा एग्जैक्ट कंपोजिशन होना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होगा, है ना, मेड अप ऑफ लिपिड एंड ठीक है लिपिड एंड प्रोटीन, है ना, सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मटेरियल है वही मटेरियल इसके अंदर भी प्रेजेंट रहेगा। गैस वैक्यूल्स ज्यादातर प्रेजेंट रहता है आपका लोअर ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, क्लमाइडोमनास के अंदर प्रेजेंट है, यूलिना के अंदर प्रेजेंट है, है ना, प्रेजेंट इन लोअर माइक्रोब और लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फंक्शन क्या होगा इसका, फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन बता चुका हूं क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ वाटर, हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना सेल में, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन, है ना। हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन ऑस्मोरेगुलेशन की तरह काम करता है, हाँ जी सर, किडनी, वेरी गुड, है ना, स्टोरेज ऑफ सम मॉलिक्यूल्स सर, टर्गल प्रेशर मेंटेन करना दोनों में से किसका फंक्शन है, ठीक है, टर्गल प्रेशर मेंटेन करना, टर्गल प्रेशर होता क्या है, व्हाट इज टर्गल प्रेशर, वो सर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक प्रेशर एग्जर्ट करता है और उसकी वजह से सेल ब्लास्ट भी हो सकते हैं, तो वैक्यूल्स भी करते हैं, तो टर्गर प्रेशर मतलब पानी ज्यादा ज्यादा स्टोर करने के लिए, ठीक ना, तो पानी सर वो प्लांट वैक्यूल का हो जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में पानी का कंसंट्रेशन वेरी नहीं करना चाहिए, एक ऑप्टिमम कंडीशन में होता है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, तो पानी को हमें वेरी करवाना है तो वैक्यूल के अंदर वेरी होना है, डीप्लाज्मलाइज होना है, है ना, टर्जिड होना है, फ्लासिड होना है, ओके, तो ये सब काम करेगा वैक्यूल, वैक्यूल ज्यादा ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी लूज कर सकता है बाहर आउटर कंडीशन में, है ना, साइटोप्लाज्म में इतना रैपिड काम नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर यदि पानी बेरी करने लगेगा तो उस के अंदर के जो कंपोनेंट्स है उनका रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, एंजाइम का रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएंगे, फिर डाइल्यूट हो जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होने लगेंगे, है ना, मान के चलिए ग्लास, ग्लास के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो ग्लास के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंजाइम्स के चलते, है ना, अब मान के चलो इस ग्लास की जगह पे हम बाल्टी ले लिए, है ना, और उसमें एंजाइम 10 एंजाइम ही है, ग्लास के अंदर भी 10 एंजाइम है, हमने वही 10 एंजाइम को बाल्टी में डाल दिया, तब बताओ बाल्टी में केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगा या फिर वो ग्लास के अंदर केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगा, सर बाल्टी नहीं, बाल्टी में क्या हुआ, आपका जो एंजाइम है वो दूर, बहुत दूर दूर प्लेस हो गया ना, कंसंट्रेटेड नहीं है एक जगह पे, अब उनको उनको सबसे ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, लेकिन ये ग्लास का केस क्या है, नौ एंजाइम है, पानी कम है, सबस्ट्रेट नजदीक प्रेजेंट है ना, सबस्ट्रेट और एंजाइम रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, बाइंडिंग जल्दी हो सकता है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना, ये है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब हम सेल को प्लाज्मोलिसिस करवाने वाले हैं, डी प्लाज्मोलिसिस करवाने वाले हैं, है ना, तो प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस में मेजर रोल रहता है वैक्यूल का ही, वैक्यूल के ही अंदर पानी स्टोर होगा, वैक्यूल से ही पानी बाहर जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में पानी आना जाना बहुत कम होता है ना, बहुत कम होगा, जो भी होना है वैक्यूल के अंदर ही होना है मैक्सिमम लेवल में, बोल सकते हैं, हाँ
ग्रेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ओके ग्रेट मूवमेंट ऑफ वाटर लिख सकते हो, ग्रेट मूवमेंट मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन सेल एंड आउटसाइड occurs occurs with the help of vacuole. ठीक है, वैक्यूल के मदद से होता है, VACOLE, है ना, वैक्यूल के मदद से ही होना है. साइटोप्लाज्म का उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहता है. साइटोप्लाज्म में पानी भरने लगेंगे तो केमिकल रिएक्शन में दिक्कत होने लगेगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. वैक्यूल में इतना ही रहने देते हैं. हाँ, वैक्यूल के चलते वैक्यूल कीप द शेप ऑफ सेल प्रॉपर इन प्लांट्स. ठीक ना, वैक्यूल के चलते प्लांट्स के केस में उसका शेप सही रहता है, डिफॉर्म्ड नहीं रहता है, है ना, प्रॉपर शेप में रहेगा. नेक्स्ट ऑर्गेनल बताएंगे सर. लाइसोसोम्स. ओके, और कुछ छूट रहा है उसके बाद? पेरोक्सीसोम्स. लाइसोसोम करते हैं. लाइसोसोम एक लाइसोसोम हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बॉडी बोलते हैं ना. लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज व्हाट, सुसाइडल बैग्स. सुसाइडल बैग्स, हाँ, क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग्स उसको? सर, जब कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करता है सेल में तो लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो रिलीज होता है और खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेता है. ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है, कुछ कुछ बता रहे हो, सही है. लाइसोसोम, लाइसोसोम सिंगल लेयर्ड सेल ऑर्गेनल, सिंगल लेयर्ड सेल ऑर्गेनल है ये. कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? गोल्गी बॉडीज. गोल्गी बॉडीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्गी बॉडी. ठीक है, गोल्गी बॉडी से जो ओरिजिनेट होता है ना लाइसोसोम, उसको हम लोग इनएक्टिव लाइसोसोम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर का एंजाइम अभी एक्टिव नहीं हो रखा है ना, कुछ देर बाद जाके एक्टिव लाइसोसोम बनते हैं. ओके, लाइसोसोम के पास बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, तोड़ने के दौरान वाटर का एडिशन करवाते हैं उन मॉलिक्यूल्स, है ना. एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवा देंगे OH, और H का फॉर्मेट में टूटेगा, कहीं पे OH जुड़ेगा, कहीं पे H जुड़ेगा. ठीक ना, इसलिए कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के चलते जो भी नया मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं होता है. यू नो व्हाट इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड? केमिस्ट्री में पढ़े होंगे. यस सर. चलिए छोड़िए, वो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा आप लोग के लिए, बस इतना ही समझेंगे. लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं 40 के आसपास, 40 से ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता. लाइसोसोम LYSOZOME, ठीक है. लाइसोसोम जोम जेड भी सही है, ST सही. ओके, लाइसोसोम हैज मेनी हाइड्रोलिटिक LYTIC हाइड्रोलिटिक, और आप डाइजेस्टिव एंजाइम भी लिख सकते हो. एंजाइम, ठीक ना, विच कैन डिग्रेड large number of, large variety of molecules. large variety कहने का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ सकता है, प्रोटीन को भी तोड़ सकता है, लिपिड को भी डिग्रेड कर सकता है, इसलिए हम large variety बोल रहे हैं. चलिए कुछ चीजें बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये रहा सेल,
ठीक है, ये रहा सेल, ये रहा वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल, है ना, ये रहा फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल या भी कोई पार्टिकल हुआ, ठीक ना, ये पार्टिकल मान के चलिए वैक्यूल के अंदर इंटर कर गया। सो इंटर करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, सेल ईटिंग, सेल ईटिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल ईटिंग इज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के मदद से ये क्या किया, अपने अंदर इंटेक कर लिया, है ना, इंटेक कर लिया। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, देखो अगले स्टेप में क्या होना है, ये रहा वैक्यूल, ठीक है, और ये रहा फूड पार्टिकल, ठीक ना, इस फूड पार्टिकल को डिग्रेड करना शुरू कर देगा, डिग्रेड कर देगा इसको वेरियस कंपोनेंट्स में, जिस चीज से बना हुआ है उस रिस्पेक्टिव चीज में इसको कन्वर्ट कर देगा, फिनिश, और कुछ नहीं, है ना। आगे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे हो रहा है डाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है डाइजेशन, डाइजेस्ट कर दे रहा है इसको, ओके, चलिए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इस प्रकार का जो लाइसोसोम है इसको हम लोग कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम, ओके, क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम, उसके बाद वाला जो वेस्ट मटेरियल होगा बाहर निकाल देंगे ना, स्टेजेस है, अलग अलग स्टेजेस है, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एंड टर्शरी लाइसोसोम बता रहे हैं यहाँ पे, सेकेंडरी एंड टर्शरी लाइसोसोम क्या होगा, डाइजेशन होगा यहाँ पे, आफ्टर डाइजेशन, ठीक ना, डाइजेशन के बाद क्या होना, ये हम वैक्यूल बना रहे, ठीक ना, स्टेप है, ये स्टेप है, ठीक है, डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाना है, है ना, उसके बाद अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल ये रहे, अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स ये रहे, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स अब बाहर निकल आएंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे सर, पाइनोसाइटोसिस, नहीं उससे भी निकालता था लेकिन, पाइनोसाइटोसिस, साइटोसिस, लिक्विड के लिए ना, नहीं सर, वो एक जगह पर लिखा हुआ था रेसिडुअल बॉडीज में कि दीज में बी एलिमिनेटेड बाय पाइनोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है, यस सर, सर आपको स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, एक मिनट, हाँ देखो, ठीक है ना, पाइनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग, उसको सेल वॉमिटिंग कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, क्या होगा, देखिए हम एक एक करके हम डील करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, FRESHRY, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइसोसोम, LYSOME, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, ठीक ना, 1 डिग्री कहने का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी आता है, ठीक ना, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक ना, हियर द एंजाइम्स आर नॉन फंक्शनल, हियर द एंजाइम्स आर नॉन फंक्शनल, कोई एंजाइम फंक्शनल नहीं है, ठीक है, दूसरा कर रहा है, यही लाइसोसोम, दिस लाइसोसोम, ठीक है, कंबाइंस विथ फूड पार्टिकल, कंबाइंस विथ फूड वैक्यूल्स, CUOLES एंड स्टार्ट डाइजेस्टिंग इट, स्टार्ट डाइजेस्टिंग इट, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे, ठीक ना, आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद द अनडाइजेस्टेड फूड आर रिलीज्ड बाय एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से बाहर रिलीज होगा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड टर्शरी लाइसोसोम, इसको हम लोग टर्शरी लाइसोसोम कहेंगे, ठीक ना, हाँ, ऑटोफेगोसोम,
ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑटोफेगोसोम क्या होता है, ऑटो लाइसोसोम क्या होता है, ये चौथा टाइप बता रहे हैं, ऑटोफेगोसोम, ऑटो लाइसोसोम, ठीक है। सुसाइडल बैग बाद में बताते हैं, अभी ये समझ लो, ठीक ना। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, हाँ मान के चलिए कुछ सेल ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर, इस सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स है और वो सेल ऑर्गेनल्स बूढ़ा हो रखा है, ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक ना। और ये रहा वैक्यूल, हो गया क्या, जब ये सेल बूढ़ा हो रखा है, ये वाला बूढ़ा हो रखा है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो वैक्यूल क्या करता है, इनको इनगल्फ कर लेगा, ठीक ना, इनको इनटेक कर लेता है, इनटेक करने के बाद इन सेल ऑर्गेनल्स को डिग्रेड कर देगा, डिग्रेड करने के बाद रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑटोफेगोसोम, ठीक है। इस फिनोमिनन को, इस पर्टिकुलर लाइसोसोम को हम लोग ऑटोफेगोसोम कह सकते हैं, इस प्रोसेस को ऑटोफेगोसोम बोल सकते हैं। क्लियर कट समझेंगे क्या हो रहा है इसके अंदर, ऑटोफेगोसोम के अंदर वैक्यूल खुद के ही सेल ऑर्गेनल को डिग्रेड कर रहा है, खुद के ही पुराने सेल ऑर्गेनल्स को डिग्रेड कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोफेगोसोम, ओके। हाँ लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ओल्डर अनयूज्ड, ओल्डर अनयूज्ड सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स आर डिग्रेडेड बाय वैक्यूल, सॉरी लाइसोसोम, सच लाइसोसोम इज कॉल्ड, सच लाइसोसोम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, ऑटोफेगो जोम, ऑटो मतलब खुद का, सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, फेगो मतलब ईटिंग, ठीक है, जोम मतलब बॉडी, ठीक है, खुद के बॉडी को खा जाना, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेगोसोम, ठीक है, क्लियर है व्हाट इज ऑटोफेगोसोम। ओके चलिए दूसरा केस बता रहे हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इट इज नॉन ए सुसाइडल बैग, इट इज नॉन ए सुसाइडल बैग। होता क्या है, जब सेल के अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ही बढ़ जाता है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया सेल के अंदर टॉक्सिसिटी, उस केस में क्या होता है, लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर बर्स्ट कर जाएगा। सो थोड़ा सा सोचें, लाइसोसोम के अंदर बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को पैकेट के अंदर बंद करके रखा हुआ है ना, अब मान चलो वो पैकेट बर्स्ट कर जाएगा, तो ये जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म को टच करेंगे, ठीक ना, टच करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स का डिग्रेडिंग होने लगेगा, है ना, डिग्रेड हो जाएंगे। इस कंडीशन में हम कहते हैं दिस लाइसोसोम इज एक्टिंग एज सुसाइडल बैग। नाउ आई होप you have understood the difference between autophagosome and suicidal bag, clear hai, suicidal bag and autophagosome, clear hai, hello, yes hello? sir, clear hai na, autophagosome matlab khud ke cell organelles ko engulf karna, kha lena, degrade kar dena, budha ho chuka tha isliye, hai na, aur सुसाइडल बैग कहने का मतलब सुसाइडल बैग एक कंडीशन है, ठीक ना, सुसाइडल बैग एक कंडीशन है, ठीक ना, जब टॉक्सिसिटी बढ़ने लगता है सेल के अंदर तो लाइसोसोम बर्स्ट आउट कर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, विच लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ द इंटायर सेल ना। ये हो सकता है मान के चलो वायरस अटैक कर दिया सेल को, उस केस में भी ये स्टेप लिया जा सकता है ना, बचाने के लिए, नेबरिंग सेल्स को बचाने के लिए भी, है ना, खुद तो नहीं बचेगा, नेबरिंग सेल्स को बचाने के लिए स्टेप लिया जा सकता है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें बता रहे समटाइम्स व्हाट हैपन, समटाइम्स लाइसोसोम बर्स्ट इन द साइटोप्लाज्म. Burst in the cytoplasm, which leads to the degradation of entire cell. This condition is widely known as or popularly known as suicidal bag. Suicidal bag. BAG. Clear hai? Yes, sir. Theek na? लाइसोसोम का फंक्शन है डिग्रेडेशन करना, चाहे वो खुद का सेल हो, चाहे खुद का सेल ऑर्गेनल हो, या बाहर से फूड पार्टिकल आ रहा हो. सो लाइसोसोम का देख रहे हैं बहुत ही वाइड फंक्शन है ना, वाइड फंक्शन है. फूड को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है. यदि कोई बाहर से हार्मफुल मॉलिक्यूल्स आ रखा है सेल में, उसको डिग्रेड करने का भी काम करता है. ये खुद के सेल ऑर्गेनल्स को भी डिग्रेड कर रहा है, पूरा का पूरा सेल को भी डिग्रेड कर दे रहा है यदि जरूरत पड़ रहा है तो. देखिए आगे जाओगे हायर क्लासेस में तो पढ़ने के लिए मिलेगा कि लाइसोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी के दौरान, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, है ना. आप अपना फिंगर देखें, अपना हैंड देखें, पाम देखें, देख रहे हो हमारा जो फिंगर्स है वो एक फिंगर दूसरे फिंगर से अलग है कि नहीं है. डक का तरह नहीं है, बतख की तरह नहीं है, है ना. बतख की तरह हो सकता था यदि हमारा लाइसोसोम फंक्शनल नहीं रहता एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, फिटस डेवलपमेंट के दौरान. यदि लाइसोसोम काम करना बंद कर दिया, लाइसोसोम ना रहे, तो हमारा फिंगर का स्ट्रक्चर बतख की तरह हो जाएगा, वेब्ड फिंगर्स आएंगे, वेब्ड पाम आएगा हमारा भी, है ना. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका, लाइसोसोम का, है ना. फिंगर्स के बीच में जो टिश्यूज होते हैं उसको डिग्रेड करता है लाइसोसोम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, ये हो गया. इसके अलावा और कौन सा सेल ऑर्गेनल जाना था आप लोग को? सर पेरोक्सिसोम ना. हाँ, पेरोक्सिसोम बहुत रेयर क्वेश्चन आता है इससे. पेरोक्सिसोम जोम का मतलब बॉडी होता है. ओके, साइटोलॉजी में जोम का मतलब बॉडी होता है, ठीक ना. प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल. यहां से क्वेश्चन सिर्फ ओलंपियाड्स में आएगा जी, ठीक है. बोर्ड में बहुत रेयर, ठीक ना, 1/100 चांस है कि पूछे लाइक पेरोक्सिसोम के बारे में, ठीक ना. ओके, हाँ, इसका फंक्शन क्या होगा? ठीक है, पेरोक्सिसोम का फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म करना, तोड़ना, अवेल कराता है ग्लूकोज लिपिड्स के ब्रेकडाउन से. क्या अवेल करवाता है? यस, कम ऑन बोलो सर. ग्लूकोज बाय ब्रेकिंग डाउन लिपिड्स ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. यार ये पेरोक्सिसोम का काम नहीं, ये ग्लाइसोसोम का काम होगा. अच्छा, पेरोक्सिसोम में सर एक पेरोक्सीडेज बेस भी होता है जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाँ, उसको ब्रेक करता है, न्यूट्रलाइज करता है, H2O2 को न्यूट्रलाइज में मदद करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक ना, इसको
न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, बताएंगे वो भी, सीड जर्मिनेशन वाला जो बोल रही हूँ ना हम बता रहे हैं। हाँ, एनिमल्स के केस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इट हैज, ध्यान से सुनेंगे, अभी जो पढ़ा रहे हैं ये ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट हैज द प्रॉपर्टी टू metabolize fatty acid, ठीक है, fatty acid metabolism में participate करेगा, है ना, amino acid को metabolize करेगा, मतलब बनाएगा या फिर तोड़ेगा, ठीक ना, metabolism includes what, catabolism and anabolism, okay, alcohol, drugs, चलो तुम पूछ रहे हो सब बता दे रहे हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, ठीक ना, इन सभी का मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, ये खास करके ये TOXIN, टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज, OXIDASE, चलिए ऑक्सीडेज ये इम्पोर्टेंट है, परऑक्सीडेज हैज एंजाइम कॉल्ड ऑक्सीडेज, ओके, ऑक्सीडेज के मदद से इन सभी चीजों को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है या बनाता है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, in plants formation and degradation, degradation of H2O2 occurs in peroxidase, peroxisome, OXIsome, पेरोक्सिसोम के अंदर H2O2 का फॉर्मेशन भी होता है और डिग्रेडेशन भी होता है, कि इस प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड C2 साइकिल, फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं, उस फोटो रिस्पिरेशन के दौरान H2O2 का फॉर्मेशन भी होता है और डिग्रेडेशन भी होता है विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सिडेज एंजाइम, दिखा रहे हैं यहाँ पे छोटा सा झलक दिखा रहे हैं उसका, ठीक ना, C2 साइकिल आप लोग को पढ़ना है हायर क्लास में, यहाँ पे देखेंगे सी दिख रहा है, ओके 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 ओके, आ जाओ दिख नहीं रहा है यहाँ पे देखेंगे जरा, पेरोक्सिसोम दिख रहा है, कुछ एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है कुछ, दिखा H2O2 कहीं पे बना हुआ है बीच में, देखेंगे राइट हैंड साइड में H2O2 बनता हुआ दिख रहा है, ठीक ना, यही H2O2 दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये बनता भी है परऑक्सीजोम में और टूटता भी है परऑक्सीजोम में, सो ये याद रखेंगे, परऑक्सीजोम टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, जैसे कि हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, टॉक्सिन का भी मेटाबोलिज्म करेगा, और यहाँ पे H2O2 तो बोल ही दिए, H2O2 हमारे लिए हानिकारक होता है, पौधे के लिए भी हानिकारक होता है ना, तो उसको भी डिग्रेड करने का काम करता है ऑक्सीडेज एंजाइम ऑफ पेरोक्सिसोम, ठीक है, और कुछ बता दें इसमें, और कुछ, चलिए आगे देखते हैं, क्लाइऑक्सिसोम ठीक है, कहीं पे ग्लाइऑक्सी OXI है, कहीं पे Y है, दोनों सही है ना, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। हाँ जी हिमांगी आप बोलो, क्या बोल रही थी तुम, इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, कुछ बोल रही थी, इट हेल्प्स इन
हाँ यस सर, इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन बाय अवेलिंग ग्लूकोज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स. ठीक है, हाँ ये करता क्या है, ठीक है ये करता क्या है, इट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ participate in the formation of sugar from fat. That process is called gluconeogenesis. Okay, gluconeogenesis में participate करता है. Seed germination के दौरान energy चाहिए होता है. Energy कहाँ से आएगा? Carbohydrate से आएगा. So carbohydrate तो नहीं है seed के अंदर. Seed के अंदर क्या है? Lipid है. तो lipid को carbohydrate में convert करवा दिया जाएगा. Carbohydrate माल्टोज में कन्वर्ट होता है, माल्टोज से बनेगा ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होके बनता है एटीपी, है ना. तो मोटा मोटी आप लोग को यही समझना है, जो फैटी सीड्स होते हैं, फैटी सीड्स मतलब ऑयल सीड्स हो गए, ग्राउंडनट्स हो गए, है ना, इनमें लिपिड स्टोर रहता है. तो इस लिपिड को कन्वर्ट करना होता है कार्बोहाइड्रेट में ताकि एनर्जी मिल सके और वो एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सके सीड जर्मिनेशन में. सिर्फ जर्मिनेशन नहीं था, एनर्जी, है ना. तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिपिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग कहते हैं नियोजेनेसिस. न्यू ग्लूकोज नया बनता है, वहां पे न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इट इज कॉल्ड ग्लूकोज नियोजेनेसिस. प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, इट इज एक्टिव ड्यूरिंग what? Seed germination. Seed germination of fatty seed. ठीक है, okay. It avails ATP और glucose बोल सकते हो. Avails glucose for energy source. Energy source. ठीक ना, एनर्जी सोर्स. हाँ, दूसरा पॉइंट, इट अवेल्स ग्लूकोज बाय वर्किंग ऑन किसके ऊपर? फैट के ऊपर. ठीक ना, फैट के ऊपर काम करके ग्लूकोज को अवेल करवा जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड process called gluco GLUCO gluconeogenesis. ठीक है, gluconeogenesis, glucose का generation होना, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, fat convert हो रहा है किस में? Carbohydrate में. इस process को कहेंगे gluconeogenesis. नए ग्लूकोज का जनरेशन करना, ठीक ना. एक पाथवे होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइओक्सिलेट साइकिल, खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, हम यहाँ पे फैटी सीड का नाम लिए थे, फैटी सीड में ही होगा ये. ठीक है, फैटी सीड, कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ सम फैटी सीड? कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ सम फैटी सीड? सर ग्राउंडनट. वेरी गुड, ये तो हमें बताए थे. ग्राउंडनट, कैस्टर. ठीक है, कैस्टर, कैस्टर पौधा देखे हो? मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. मोनोकॉट्स बोलेंगे, ठीक ना, लेकिन मोनोकॉट्स में भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सीड्स के पास ऑयल स्टोर हो. ठीक ना, किसी के पास प्रोटीन होते हैं, किसी के पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना. ग्राउंडनट हैज ऑयल contain, castor has oil contain, mustard has oil contain, है ना. ओके, यदि मैं मेज की बात करूंगा तो मेज हैज प्रोटीन इन इट्स सीड. ठीक ना, यदि राइस की बात करूंगा, वीट की बात करूंगा, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है ना. चलिए, ठीक है, ये याद रखेंगे, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करवाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक
ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, बहुत सारा प्रोसेस है, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और कुछ बता दें, और कुछ जानना इस चैप्टर में? सर साइटोसोल, साइटोसोल, साइटोसोल जाना है, बोलते रहे, ठीक 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 ठीक, साइटोसोल बता रहे हैं क्या होता है, CYTOSOL, साइटोसोल। सो कंसीडर दिस इज अ सेल, ये रहा सेल, इसको हम लोग कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, ये है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, है ना, ये है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब, साइटोप्लाज्म कहने का मतलब होता है सेल ऑर्गेनल्स प्लस द मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स कहने का मतलब ये वाला एरिया जो देख रहे हो ना, ये वाला एरिया जहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, ये वाला एरिया को हम कह रहे हैं साइटोसोल, ठीक ना, ये वाला एरिया मैट्रिक्स भी कह रहे हैं इसको, हम प्रोनाउंस कर सकते हैं मैट्रिक्स ऑल्सो, ठीक ना। तो साइटोप्लाज्म कहने का मतलब होता है सेल ऑर्गेनल्स प्लस द मैट्रिक्स माइनस द न्यूक्लियस, ठीक ना, न्यूक्लियस नहीं आएगा इसके अंदर, है ना। तो साइटोसोल का मतलब क्या होगा, साइटोसोल का मतलब द फ्लूइड, सेमी फ्लूइड एरिया इन द सेल, इन द सेल without cell wall, without WITHOUT, without cell organelles, without cell organelles, ठीक ना, having only enzymes and water, having only enzymes and water, ठीक है, पानी और enzymes present रहेंगे, salts present रहते हैं, that is called cytosol, ठीक, साइटोसोल वो रिएक्शन वाला एरिया ना, साइटोसोल के डेफिनेशन में कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा सेल ऑर्गेनल्स और साइटोसोल, ठीक है। और पूछें, और पूछें, सर एनिमल सेल में एक माइक्रोविलाई करके स्ट्रक्चर आता है, उसका क्या फंक्शन होता है? उसका फंक्शन होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, फॉर एग्जांपल ये रहा एनिमल सेल, एनिमल सेल हमारा सेल कंसिडर करें, सेल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक ना, इंटेस्टाइन सेल को कंसिडर करेंगे, तो हमारा बाहर वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस प्रकार का फोल्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक ना, इस तरीके का फोल्डिंग दिखेगा, इस फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई कहेंगे, ठीक ना, इसका एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक ना, एक स्ट्रक्चर ला रहे हैं, सो एक सेल है ये, ठीक ना, दिस इज वन सेल, एक ये एक सेल है, एक सेल के बाहर भी देखोगे ना, वेट वेट वेट, ओके वेट, ये हम विलाई बनाए है ना, वेट, इसको हम इस तरीके से करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहे थे, ठीक 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 ठीक, हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहे थे, इसको हम कह दे रहे हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, ठीक है, ये रह गया माइक्रोविलाई, ठीक है, इसने क्या कर रखा है, फोल्डिंग्स के चलते, FOLDINGS, फोल्डिंग्स हो रखा है, फोल्डिंग्स का मतलब है सरफेस एरिया का बढ़ना, इतना ज्यादा फोल्डिंग उतना बड़ा सरफेस एरिया, कम फोल्डिंग कम सरफेस एरिया, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, हो सकते हो सरफेस एरिया बढ़ा रखा है ना। सो एक चीज देखेंगे, ये एक सेल है और एक सेल ये, ठीक ना, एक सेल ये बगल में इस तरीके का सेल, ठीक ना, दोनों को देखें जरा, ये मान के चलिए ल्यूमेन एरिया है, ये बाहर वाला इलाका है, समझेंगे, ये बाहर वाला इलाका है,
Now, cell 1 and cell 2. ठीक ना, cell 1 और cell 2 दोनों के पास है ना material exchange करने की tendency है, material exchange करने की tendency है. तो दोनों में से सबसे ज्यादा metal का exchange किस में होगा? Maximum से maximum material का exchange किस में होगा? Sir, one में होगा. क्यों one में होगा? क्योंकि sir surface area ज्यादा है. हाँ, ज्यादा exposed है ना ये. Aluminum से ज्यादा exposed. Okay? चलिए इस चीज को और थोड़ा फाइन करके बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर इंटरसेंट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आवर इंटरसेंट. ये हमारा इंटरसेंट का ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, टी एस ऑफ इंटरसेंट. ठीक ना, एक पाइप देखोगे आपके घर में जो पाइप होता है, टेप होता है, उसके अंदर का जो अंदर वाला लेयर देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा है ना, इस तरीके से दिखता है, स्मूथ रहता है ना अंदर वाला लेयर. लेकिन हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर वाला जो लेयर होगा वो कुछ इस तरीके से होता है. और यहाँ पे फूड रहता है, ये रेड कलर हम फूड दिखा रखे हैं है ना ये. और जो कर्व दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं विलाई. दिस इज कॉल्ड विलाई है ना. इसको थोड़ा फाइन करोगे, फाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा है ना. फाइन करोगे तो इस तरीके से देखा जाएगी. देखो, ये रहा आपका इपिथेलियल सेल ना, ये रह गए इपिथेलियल सेल, कल्मनर और क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल. इस तरीके से, इस तरीके से देखो, फोल्डिंग कर, फोल्ड के चलते सरफेस एरिया तो बढ़ा रखे हैं ये लोग. हाँ, और फर्दर मूव करते हैं. अब इसको देखो एक, ठीक ना, एक छोटा सा ग्रीन सेल को हम पकड़ रहे हैं. तो ये छोटा सा ग्रीन सेल को भी देखोगे ना, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से भी फोल्डिंग प्रेजेंट रहता है. ए? इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई. नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन विलाई एंड माइक्रोविलाई. समझ में आया विलाई yes, क्या sir. है और माइक्रोविलाई क्या है ना. सब दोनों का क्या, विलाई एंड माइक्रोविलाई सब मिलके सरफेस एरिया ही बढ़ा रहे हैं है ना, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं फॉर एब्जॉर्प्शन. मान के चलो ये फूड पार्टिकल था, यहाँ पे देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन में आएंगे, फूड डाइजेस्ट हो गया तो एब्जॉर्ब भी तो करना है ना. तो एब्जॉर्ब करने के लिए जितना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा उतना एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा ना. ये होता है फंक्शन विलाई और माइक्रो विलाई का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मन कहीं से भी पूछे, सिलेबस में नहीं है, जानने का मन कर रहा है, इफ यू हैव टाइम यू कैन आस्क, आई एम रेडी टू रिप्लाई. सर हाँ बोलो. सर कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होता है उसका नेचर क्या होता है और वो कंपोज किस किस चीज का किया हुआ रहता है? कैल्शियम रहता है, फास्फोरस रहता है, सॉल्ट्स रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में रहते हैं है ना, बहुत ही कम अमाउंट में रहते हैं. बोन में इन सभी का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है. ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस कार्टिलेज में. हाँ बोलो. और सर हमको मतलब लैक्यूने और कैनालिक्यूली में बड़ा वो हो जाता है कंफ्यूजन. ये हम डिस्कस करेंगे, हम डायग्राम बताएंगे हम आपको. ठीक ना, कैनालिक्यूली क्या होता है, लैक्यूना क्या होता है. लैक्यूना एक एरिया है जिसके अंदर को दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, ये चैप्टर कौन सा है, टिश्यू वाला चैप्टर है ना, बोन वाला. यस सर, टिश्यू ना. ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन में हम ये देखेंगे कैनालिक्यूली क्या होता है, लैक्यूने क्या होते हैं, हार्वेसियन कैनाल्स क्या होते हैं. ठीक ना, ओके. उसके बाद क्या बोलते हैं, इसके अंदर कुछ जर्म सेल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, बोन मैरोस क्या होते हैं. ठीक ना, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, बोन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे. देखो कैनालिक्यूली देख रहा है, यहाँ पे हार्वेसियन कैनाल दिख रहा है, ट्रैफिकला क्या होता है. ठीक ना, ये थोड़ा थोड़ा आप लोग को पढ़ना है, बताएंगे हम, क्लियर करेंगे. ठीक ना, डिफरेंस करना आप लोग को कार्टिलेज एंड बोन में, बताएंगे वहां पे है ना. हाँ, और पढ़ें इस चैप्टर से, पूछें इस चैप्टर से, मतलब सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से पूछें. सर एनिमल सेल में फाइब्रस प्रोटीन करके भी एक सेपरेट स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, उसका क्या मतलब सिग्निफिकेंस? फाइब्रस प्रोटीन तो है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बोल रहे हैं,
कोलाजेन है, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक ना, फाइब्रस प्रोटीन तो बहुत सारा है, ठीक ना, एक्टिन मायोसिन है, फाइब्रस स्ट्रक्चर बना रहा है, उसका सिग्निफिकेंट होता है किसी चीज को होल्ड के रख, होल्ड करके रखने में, मस्कुलर मूवमेंट में, ओके, लोकोमोशन में, स्ट्रक्चर बनाने में, ओके, मसल्स ज्यादातर फाइब्रस प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है, और स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ बोलो सर, सेल में एक सेक्शन दिया हुआ है साइटोस्केलेटन करके, मतलब साइटोस्केलेटन, हाँ दैट इज साइटोस्केलेटन, ये तो आता है साइटोस्केलेटन के अंदर, ठीक है, साइटोस्केलेटन इसी के अंदर आएंगे आपके माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, ठीक ना, माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीन प्रकार के होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, है ना, इन सभी का फंक्शन होता है मोटा मोटी, ठीक ना, आप लोग नाइन्थ में हो तो मोटा मोटी फंक्शन जानेंगे, ठीक ना, मोटा मोटी फंक्शन होता है टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, टू मेंटेन स्ट्रक्चर, टू प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना, टू फॉर्म न्यूक्लियर बास्केट, ठीक है, न्यूक्लियर बास्केट कहने का मतलब न्यूक्लियस के आसपास, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक ना, इसके आसपास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर बास्केट, ठीक ना, न्यूक्लियस को घेर के रखा गया, इसको न्यूक्लियस, न्यूक्लियर बास्केट कहते हैं, है ना, ये सब स्ट्रक्चर बनाने का काम आता है, जो आपका गार्ड सेल्स होते हैं, है ना, गार्ड सेल्स को एक लिमिट एरिया में एक्सपांशन के लिए भी आपके ये साइटोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल है, गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स का शेप पता है ना, गार्ड सेल्स का शेप किस तरीके से होगा, इस तरीके से, ओके, इसके पास, गार्ड सेल्स के पास भी इस तरीके का फिलामेंट प्रेजेंट रहता है, ये रहा, ये रस्सी का तरह है, इसका डायमीटर बढ़ने नहीं देगा, ठीक ना, ज्यादा एक्सपैंड होने नहीं देता, पकड़ के रखता है ये वाला साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन का रोल क्या है आप लोग के लेवल में, ओलंपियाड लेवल में पूछेगा, तो सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, स्टेबल रखता है, हड्डी का तरह काम करता है, शेप मेंटेन करता है, हड्डी का तरह, जैसे हड्डी का जो फंक्शन है शेप मेंटेन करके रखना, उसी का तरह साइटोस्केलेटन का काम होता है कि किसी शेप को बरकरार करके रखे ना, ज्यादा ज्यादा मूवमेंट में पार्टिसिपेट करवा दे। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तीन प्रकार के होते हैं साइटोस्केलेटन, इतना मैंने बताया, माइक्रोफिलामेंट, सिग्ना फाइबर्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। नेक्स्ट, और कुछ कुछ, कमॉन कमॉन कमॉन, है लंबा चौड़ा, अभी इतना डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 11th आपको पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़िए, उसमें बहुत मजे से पढ़ाएंगे, बहुत चीज पढ़ना है, हम भाग गए ना, ये पूरा लेक्चर चलता है, आधे घंटे तक यही चलेगा, माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीनों में डिफरेंस। नेक्स्ट, बाकी लोग क्यों नहीं पूछ रहा है सवाल, इस चैप्टर से पूछो, अगला चैप्टर से नहीं, आएगा समय, आएगा अगला चैप्टर से पूछने के लिए। सर एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ था, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश, तो सर एक तो स्टार्च हो सकता है, दूसरा, एक काम करें जरा शेयर करेंगे, शेयर करो जरा उसको, किसको टेलीग्राम पे शेयर करो, ग्रुप पे शेयर करो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके सर, और लेट मी सी आई हैव नॉट
Still the unit of life, na? Life circulatory system. Life process circulatory system. Class 9th, na? Ha. इसमें होगा बुकलेट तो इसमें आया था सर हम भेज रहे हैं आपको रुकिए नहीं इस पे हाँ हो गया ठीक है मिल गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलेंगे पेज नंबर बताएंगे पेज नंबर बताएंगे पेज नंबर 24 हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर सर वो वाला क्वेश्चन 25 में 4 सबसे ऊपर ए का 4 ना एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस नो सर इसके नेक्स्ट पेज में ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ सर वो फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा पेज नंबर 25 ना ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश ठीक है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट क्रोमो क्लोरो And leuco. What is the function of leucoplast? Who can say? अरे यार इतना सस्ता सस्ता पूछेगा जी तुम लोग. सर एक तो स्टार्च हो जाएगा. दूसरा क्या होगा? सर कार्बोहाइड्रेट, ऑयल और प्रोटीन हो सकता है. बस ठीक है. Yes, finished. Leucoplast का function यही है. It gonna store what? Carbohydrate, protein and lipid. ठीक ना? कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकता है लिपिड स्टोर कर सकता है और क्या स्टोर कर सकता है ठीक ना एग्जांपल भी बता दे कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा कौन कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना है सर अमाइलोप्लास्ट में यस अमाइलोप्लास्ट स्पेशल स्ट्रक्चर हो जाएगा कॉपी फंक्शन क्यों नहीं है यस टेल मी कहाँ कहाँ करेगा स्टोरेज देखते हैं क्लास 9th दूसरा लेक्चर बहुत ज्यादा लिख दिए लगता है लिख दिए हाँ ठीक है हाँ बताओ जी कौन बता रही थी लिकोप्लास्ट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट ऑयल एंड प्रोटीन ठीक है नाउ टेल मी ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट इज ऑफ थ्री टाइप्स एमाइलोप्लास्ट एलायोप्लास्ट और एक कौन सा है एलायोप्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट हाँ एलायोप्लास्ट एमाइलोप्लास्ट AMYLOPLAST एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट्स Amyloplast, elioplast, lipids, elioplast, oil, lipids या फिर oil हाँ ठीक ना और एक था that is called what? Elioplast. A L E U R O, elioplast. What it gonna store? It gonna protein. Store protein. Question आता ही है Olympiad में आता है question. So leucoplast store food in the form of what? Oil या lipid बोलो protein बोलो carbohydrate बोलो है ना ये देखो ये देखो ये देखो ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप हो गए यहाँ यहाँ और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सर उसी पेज में क्वेश्चन नंबर 7 अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन मैग्निफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू डैश टाइम्स कहाँ 100 है और भी क्या है कहाँ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना 100 टाइम्स कहाँ गया थैंक यू सर क्वेश्चन नंबर 7 7 कंपाउंड माइक्रोस्कोप अप टू 100 टाइम्स देखो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर पहला लेवल होता है 10x दूसरा होता है 45x और तीसरा होता है 100x इट इज आस्किंग अबाउट माइक्रोस्कोप ओके माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर यहाँ है ना है कहीं पे लिखा हुआ
माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ लिखा है? सेल 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 नहीं सर. नो नथिंग. 100 टाइम्स होता है. 10x 45x एंड 100x. देखो यहाँ पे छोटा सा देखोगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. ऑब्जर्व कर पा रहे हो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे? 45 लिखा हुआ है यहाँ पे. आई कैन नॉट डू एनीथिंग हियर. देख पा रहे हो? यस सर. है ना, दिख रहा है 45x दिख रहा है. और जहाँ पे लो पावर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है वहां पे होगा 10x. 10x हाँ लिखा है ना. तो मैक्सिमम 45x तक ले, 100x तक ले जा सकते हैं इसको. PDF something is this. PDF editor. हाँ next question पूछे. सर इंक्लूजन्स का मतलब क्या होता है? सेल इंक्लूजन्स इन्हीं सभी को कहते हैं. स्फेरोसोम, ग्लायोक्सिसोम, परोक्सिसोम, इन सभी को सेल इंक्लूजन्स कहते हैं ना. छोटे छोटे मतलब कि उतना इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है सेल ऑर्गेनेल का. दे आर टुगेदरली कॉल्ड सेल इंक्लूजन्स. सर वैक्यूल्स को भी बोल सकते हैं सेल इंक्लूजन के अंदर? उसको स्पेशली सेल ऑर्गेनल्स के अंदर ही स्टडी किया जाता है. इंक्लूजन के अंदर सेल इंक्लूजन के अंदर इसको रखा गया, स्टेरोसोम वगैरह को नहीं. वैक्यूल्स को रखा जाता है आपका इसके अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखा गया उसको. सर हम आपको एक स्क्रीनशॉट भेजे थे. हाँ नहीं मिला मेरे को. नहीं सर हम आपको व्हाट्सएप पर भेजा है. कौन सा व्हाट्सएप? अरे सर वो मेरे को क्या पता सर, आपके नंबर पर भेज दिए थे. कौन सा नंबर? जिसपे सर हम सुबह आपसे क्वेश्चन पूछे थे. देखते हैं. आया क्या है? इसमें क्या पूछना है सर? इसमें सर लिखा हुआ है पिनोसाइटोसिस के बारे में. कहाँ? हाँ एलिमिनेशन बाय पिनोसाइटोसिस. लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल आर कॉल्ड रेसिडुअल बॉडी. दिस में be eliminated by pinocytosis. नहीं वो सही नहीं है. Yes sir, sir हम यही पढ़ लिए थे तो मेरे को लगा था. Called as tertiary lysosome. ठीक है उसको काटेंगे, उसको हटाएंगे, eliminate करेंगे, वो सही नहीं है. ठीक है phagocytosis, pinocytosis, phagocytosis solid food के लिए है, phagocytosis solid food, pinocytosis liquid food के लिए. ठीक है और कुछ? और कुछ? देखो देखो ढूंढो कहीं से कुछ मिल जाए. सर मेयोसिस में सर बहुत सारे स्टेजेस के बारे में लिखा गया था, जैसे प्रोफेज और कौन कौन सा फेज था सर, वो बता सकते हैं आप? सर हम लोग के बायो वाले टीचर प्रोफेज बताकर छोड़ दिए, बोले बाद में पढ़ाएंगे. ठीक है तो उन्हीं से पढ़ लेना. और क्या कुछ डाउट सर? वो पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे क्या भरोसा? नहीं पढ़ना ही नहीं है तो आप लोगों को, तो 11th में पढ़ना है. अच्छा फिर भी सर बेसिक आइडिया बता रहे. इनका डेफिनेशन बता दे सेल इंक्लूजन का. समबडी आप व्हाट इज सेल इंक्लूजन? अरे यार ऊपर जा नहीं रहा.
सेल इंक्लोजन ठीक है द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल ठीक है एग्जांपल में देख सकते हैं आप लिपिड ड्रॉपलेट्स हो गया स्टार्च ग्रैन्यूल्स ठीक है स्टार्च ग्रैन्यूल्स ये सब आ जाएंगे सेल इंक्लूजन्स के अंदर सर ठीक ना पिग में हाँ बोलो सर यही 42 जो क्वेश्चन था ना उसमें दिया हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन और वैक्यूल सही आंसर था नॉन लिविंग नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन लिखा हुआ है ऑप्शंस में क्या क्या देखो जरा वैक्यूल्स राइबोसोम्स सेंट्रोसोम्स और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लिविंग शब्द यूज करा गया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है ये कौन सा सेक्शन में है ये सर क्वेश्चन नंबर 42 इसलिए कहा गया है कि इसका फॉर्मेशन फ्रिक्वेंट क्या बोलेंगे इसका रिपेयर खुद से नहीं हो सकता कोई नया चीज सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है ना कोई नई चीज का सिंथेसिस नहीं कर पा रहा है इसलिए इसको सेल इंक्लूजन के अंदर भी रखा गया है ना हो सकता है ठीक है हो सकता है लेकिन सेल इंक्लूजन का मतलब होता है आपका जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ना नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सेल के उनको सेल इंक्लूजन कहेंगे हम लोग इसके अंदर ग्लायोप्रिज्म परोक्सीजोम ये सब भी इंक्लूड किया जाता है ठीक है कुछ हद तक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं लाइसोसोम को भी ठीक है और पढ़े और देखो सर 27 में 27 में पेज नंबर सर 27 क्वेश्चन नंबर 27 27 का 27 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स ड्यूरिंग माइटोसिस एट व्हाट सबसे पहला स्टेज में लेट प्रोफेज है इसमें Yes, प्रोफेज मतलब लेट प्रोफेज में जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा इसका मतलब ये होता है सेल डिवीजन का प्रोसेस है ना सेल डिवीजन के प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट होके पेरिफेरी पे चला जाता है मेम्ब्रेन के पास चला जाता है डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो इसलिए मेम्ब्रेन हट के दूर चला जाता है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होता है न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है ओके नेक्स्ट ठीक है प्रोसेस है एक स्टेप है फिर से तुम्हारा टेलोफेज स्टेज में फिर से रीअपीयर होने लगता है टेलोफेज स्टेज में फिर से रीअपीयर होने लगता है नेक्स्ट और देखो सॉल्व करो जरा इन सभी को सॉल्व करो नीट एम्स लेवल का जो भी ओलंपियाड लेवल का है सॉल्व करेंगे और पूछो नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर दैट इज टिश्यू ना सर बुकलेट में हम लोग को सर मेयोसिस और माइटोसिस नहीं मिला है बट एनसीईआरटी में इस साल से डल गया है नहीं तो मेयोसिस माइटोसिस पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हम लोगों को सर आप बताए पढ़ा दीजिए सर बताए नहीं थे हाँ सर बताए तो थे बताए थे मेयोसिस माइटोसिस या मेयोसिस में कितना डिवीजन होता है माइटोसिस में नहीं पढ़ना है उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है ठीक है अगले क्लास में एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देंगे ठीक है कौन से स्टेजेस होते हैं बताएंगे मियोसिस वन में कितने स्टेजेस है मियोसिस में टू में कितने हैं माइटोसिस में कितने हैं है ना बता देंगे है टाइम अभी इस तरीके से होता है देखो माइटोसिस
इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन होता है, ठीक ना। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, टू एन है ना, तो डिवीजन होगा तो ये भी टू एन बनाएगा, टू एन, टू एन रिप्रेजेंटिंग हियर द कंडीशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम, कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक ना। यहाँ पे स्टेजेस होते हैं, सेल का स्टेज होता है, सेल डिवीजन का स्टेज होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एम फेज एंड आई फेज, एम फेज होता है और आई फेज होता है, इंटरफेज एंड मेटाफेज, और एम फेज माइटोटिक फेज नॉट मेटाफेज, ठीक ना। इसके अंदर भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज, है ना। G1 फेज में रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है, DNA का सिंथेसिस होता है इसमें, ऐसे ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया ट्यूब्यूल्स का सिंथेसिस होता है, और एक्चुअल सेल डिवीजन होता है M फेज में, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के पास सब फेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। इस तरीके का प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं इस तरीके से। क्रोमोसोम्स वगैरह तो बताया था ना आप लोगों को हम, यस सर, है ना, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगेगा इस तरीके से। मेटाफेज प्लेट पे जितने भी क्रोमोसोम हैं वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे इस तरीके से। एनाफेज स्टेज में क्या होंगे, क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देंगे इस तरीके से। टेलोफेज स्टेज में क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम, ठीक ना, अपने अपने जगह पे पहुंच चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपीयर होने लगता है, ठीक है। टेलोफेज के बाद होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, दो सेल्स बन जाता है, ठीक है। यूट्यूब पे लिंक है अवेलेबल, हम भेज देंगे आपको वीडियो, देख लेना। अगले क्लास में हम बताते हैं डिटेल में, और जहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और डाउट भी पूछेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का पूरा, और डाउट लेकर आएंगे, है ना। हम साइन ऑफ कर रहे हैं, तो दूसरा क्लास है अभी, ओके, क्वेश्चंस लेकर आएंगे अगले क्लास में, उसको मैं शेयर कर देता हूँ। Okay guys, I'm signing off.